Legends about the Ram Setu have been passed down since times immemorial. It was built of floating rocks for Ram to cross into Lanka. In the busy streets of Marol, one such floating rock is believed to be located in the Paleshwar temple. The temple is adorned with idols of various deities such as Lord Ram, Lord Shiva and Durga Mata. What makes the temple unique is the aforementioned holy rock, the Ram Shila. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. मरोल मंदिर के अंदर ये जो रामशिला है ये रामेश्वरम से आई चुकी है। जब राम जी ने श्रीलंका पे चढ़ाई की रावण के साथ युद्ध करने के लिए, उस वक्त बीच में एक अपना जो समुद्र आ गया, तो समुद्र कैसे पार करने रावण वानर सेना के साथ, इसलिए राम जी के साथ में अनेक प्रकार के इंजीनियर थे, जाबुवंत ऐसे अलग अलग प्रकार के वहाँ इंजीनियर लोग थे। तो उन्होंने फिर वहाँ जो एक शिला थे, शिला बोलो तो पत्थर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर पता है कि राम राम का महात्मा ऐसा है कि कोई भी पानी में तैर सकता है। तो उन्होंने सबके ऊपर राम राम लिखने की कोशिश की, तो सब जो थी वो सब शिलाएं पानी के ऊपर तैरने लगे और फिर वहाँ से एक सेतु बनाया। तो सेतु से पूरी रावण सेना, रावण को वध करने के राम जी ने जो अपने वानर सेना आई थी वो लंका में जाके उन्होंने बुराई के ऊपर अच्छाई ने जय। The students of Leelavati Bai Podar High School feel utterly blessed to have been able to not only see but also touch such a holy artifact. The connection we felt to our Indian culture and history on touching this rock cannot be described in words.